परस्मैपदी धातुओं की चर्चा भी हमने की। आइए, जो आत्मनेपदी धातुएं हैं इनके लट लकार के रूप कैसे बनते हैं इसके विषय में हमको जानना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने प्रत्यय के विषय में बताया कि तिंग प्रत्यय जो हैं वे 18 प्रकार के हैं, उनमें से 9 प्रत्यय जो हैं परस्मै पद के हैं और 9 प्रत्यय जो हैं वे आत्मने पद के हैं, अर्थात वे प्रत्यय अलग तरह के हैं। आत्मने पद के प्रत्ययों को देखते हैं। आत्मने पद के प्रत्यय हैं ते, एते, अन्ते, ये प्रथम पुरुष के प्रत्यय हुए। मध्यम पुरुष में से, एथे, द्वे और उत्तम पुरुष में ए, आवहे, आमहे, इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, वृत्त धातु है। वृत्त मतलब होना। अब इसका जैसे हमको प्रयोग करना है तो वृत्त से वर्त रूप बन जाएगा और फिर इसका जब वर्तमान काल में प्रयोग करेंगे, लट लकार में प्रयोग करेंगे, तो इसका रूप क्या बनेगा? तब इसका रूप प्रथम पुरुष में बन जाएगा वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते, वर्तसे, वर्तेथे, वर्तध्वे, वर्ते, वर्तावहे, वर्तामहे। है ना सरल? तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको केवल जो आत्मने पद और परस्मै पद के जो प्रत्यय हैं इनको आप ध्यान में रखिए और उसके हिसाब से, उसके अनुसार फिर आप रूप बना पाएंगे। तो ते, एते, अन्ते, से, एथे, द्वे, ए, आवहे, आमहे, इन प्रत्ययों को आप ध्यान में रखिए। और अब बनाएंगे हम रुच। रुच का जो रूप होता है वो रो हो, थोड़ा सा बदल जाएगा। क्या हो जाता है? रुच से रोच हो जाएगा। रोचते, रोचेते, रोचन्ते, रोच से रोचेथे, रोचध्वे, रोचे, रोचावहे, रोचामहे, इस तरह से इसके रूप बन गए। और ऐसे ही जैसे परस्मैपदी धातुओं के रूप बने, आत्मनेपदी धातुओं के रूप बन गए और जो उभयपदी धातुएं हैं उनके रूप भी इसी तरह से बनेंगे। जब उभयपदी धातुएं हैं उनका हम परस्मै पद में रूप बनाएंगे तब वहां पर हमको प्रत्ययों का प्रयोग करना होगा। ती, तह, अन्ति, सी, थह, थ, आमि, आवह, आमह, इन प्रत्ययों का प्रयोग करना है और इसके हम रूप बनाते चले जाएंगे। जैसे क्रि धातु, क्रि धातु का रूप बनाना है परस्मै पद में लट लकार, तो क्या हो जाएगा? करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोसि, कुरुथः, कुरुत, करोमि, कुर्वः, कुर्मः, इस तरह से इसके रूप बन जाएंगे। हाँ प्यारे बच्चों, अभी हम देख रहे हैं क्रि धातु, क्रि धातु का आत्मने पद का रूप। तो यहाँ भी प्रत्यय वही रहेगा ते, थोड़ा सा परिवर्तन होता है यहाँ, उन चीज़ों को ध्यान रखना है कहाँ कहाँ परिवर्तन होता है। इन चीज़ों को यदि हम ध्यान रखें तो निश्चित रूप से सही क्रिया रूपों के आधार पर अच्छे वाक्यों का निर्माण हम कर पाएंगे। तो देखते हैं क्रि आत्मने पद प्रथम पुरुष का रूप। प्रथम पुरुष में होता है कुरुते, कुर्वाते, कुर्वते। मध्यम पुरुष में होगा कुरुसे, कुर्वाथे, कुरुध्वे। उत्तम पुरुष में होगा कुर्वे, कुर्वहे, कुर्महे। तो ये हो गया क्रि धातु आत्मने पद का रूप। इसी तरह से जैसे कथ, कथ भी क्या है? ये उभयपदी धातु है, तो इसमें दोनों रूपों में परस्मै पद और आत्मने पद दोनों में इसके रूप चलेंगे। परस्मै पद में कथ धातु का लट लकार का रूप क्या होता है, आइए देखते हैं। वहाँ पर रूप बनेगा कथयति, कथयतः, कथयन्ति, कथयसि, कथयथः, कथयत, कथयामि, कथयावः, कथयामः। इसी तरह से आत्मने पद में इसके जब रूप बनेंगे तब वहाँ पर पुनः ते, एते, अन्ते, से, एथे, द्वे, ए, आवहे, आमहे, इन प्रत्ययों का प्रयोग होगा। और इनका प्रयोग करते हुए हम प्रयोग करते हैं। आइए, कथ धातु लट लकार आत्मने पद, कथयते, कथयेते, कथयन्ते, कथयसे, कथयेथे, कथयद्वे, कथये, कथयावहे, कथयामहे, तो इस तरह से ये रूप बन गए। ऐसे ही भक्ष धातु, भक्ष मतलब होता है खाना या भक्षण करना, तो इसका परस्मै पद और आत्मने पद दोनों धातुओं, दोनों पदों में इसके रूप बनेंगे। परस्मै पद में लट लकार में इसका रूप होता है, प्रथम पुरुष में होगा भक्षयति, भक्षयतः, भक्षयन्ति, मध्यम पुरुष भक्ष्यसि, भक्ष्यथः, भक्ष्यत, उत्तम पुरुष होगा भक्ष्यामि, भक्ष्यावः, भक्ष्यामः। इसी तरह से
आत्मने पद में इसके रूप बनेंगे भक्ष्यते भक्ष्येते भक्ष्यन्ते भक्ष्यसे भक्ष्येथे भक्ष्यध्वे भक्ष्ये भक्ष्यामहे भक्ष्यावहे। उत्तम पुरुष में होगा भक्ष्ये भक्ष्यावहे भक्ष्यामहे। तो इस तरह से अभी हमने नृत क्रूद लिक मिल वृत रुच क्री कथ भक्ष इन धातुओं के लट लकार में जो रूप बनते हैं उन रूपों का अध्ययन किया। और आइए अब इसी तरह से लट लकार कहते हैं भविष्यत काल को, इसमें इसके रूप किस तरह से बनेंगे वो देखते हैं। तो देखिए लट लकार में जब जाते हैं तो प्रत्यय हमने जो अभी पढ़ा परस्मै पद के ती तह अंति सी थह थ आमि आवह आमह, तो इनमें इस्य या स्य का योग हो जाता है। तो इस्य का योग हो जाता क्या हो जाएगा, इस्यति इस्यतः इस्यन्ति इस्यसि इस्यथा इस्यत इस्यामि इस्यावः इस्यामः। तो इन प्रत्ययों का योग करना है किनसे, परस्मैपदी धातुओं के साथ में, और फिर उनके लट लकार अर्थात भविष्यत काल के रूप हम बना पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं नृत धातु। नृत धातु का परस्मैपद लट लकार का रूप क्या होगा, वहाँ पर इसका रूप बनता है नर्तिष्यति नर्तिष्यतः नर्तिष्यन्ति नर्तिष्यसि नर्तिष्यथः नर्तिष्यत नर्तिष्यामि नर्तिष्यावः नर्तिष्यामः। तो इस तरह से नृत धातु का लट लकार में रूप बन गया। इनके वाक्य कैसे बनेंगे, वाक्य बनेगा जैसे बालक नृत्य करेगा, बालकः नर्तिष्यति ये कहेंगे, बालिका नृत्य करेगी तब क्या कहेंगे, बालिका नर्तिष्यति। जैसे तुम नृत्य करोगे तब वहाँ क्या कहेंगे, तब वहाँ पर कहेंगे त्वं नृत्यसि, मैं नृत्य करूँगा तब कहेंगे अहम नर्तिष्यामि। तो इस तरह से विभिन्न वाक्यों की रचना आप इस आधार पर कर सकते हैं, क्रिया के आधार पर, क्रिया सही क्रिया और सही कर्ता का योग आपको करना है और आप सिद्ध शुद्ध वाक्यों की रचना कर पाएंगे, किसमें, लट लकार अर्थात भविष्यत काल में। ऐसे ही क्रोध, क्रोध लेते हैं इसका रूप बनता है लट लकार में क्रोध्यति। देखिए यहाँ पर इस्यति का प्रयोग नहीं हुआ, यहाँ पर प्रयोग किसका हो रहा है, यहाँ पर स्य का प्रयोग हो रहा है, मैंने दोनों बताया ना भाई, इस्यति का भी प्रयोग होता है और स्य का भी प्रयोग होता है। तो स्य का योग करेंगे किसमें, लट लकार परस्मै पद के जो प्रत्यय हैं उनमें। तो इस तरह से फिर लट लकार में वो परिवर्तित हो जाता है। तो क्रोध धातु का लट लकार अर्थात भविष्यत काल में इसका रूप बनेगा क्रोध्यति क्रोध्यतः क्रोध्यन्ति क्रोध्यसि क्रोध्यथः क्रोध्यत क्रोध्यामि क्रोध्यावः क्रोध्यामः, ये रूप बन गए। ऐसे ही लिख धातु, लिख मतलब लिखना, इसका लट लकार भविष्यत काल में रूप बनेगा, लिख का लेख हो जाता, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ रूप बनेगा लेखिष्यति लेखिष्यतः लेखिष्यन्ति लेखिष्यसि लेखिष्यतः लेखिष्यत लेखिष्यामि लेखिष्यावः लेखिष्यामः। जैसे हम सब लिखेंगे, हम सब लिखेंगे, इस वाक्य को हमको संस्कृत में कहना है तब क्या कहेंगे। इसके लिए आपको यह जानना, दो चीज़ें जानना होगा कि हम सब के लिए हम संस्कृत में क्या पद प्रयोग करेंगे और लिखेंगे के लिए क्या पद प्रयुक्त करेंगे। तो लिखेंगे इसको आपको जानना है, क्रियापद है, बहुवचन में है, लेकिन कर्तापद क्या है, कर्तापद को आप देखें तो हम सब कहा जा रहा है, अर्थात ये उत्तम पुरुष और बहुवचन का है, तो इसीलिए आप बहुवचन उत्तम पुरुष बहुवचन के क्रियापद का चयन करेंगे। तो हम सब के लिए हमने कहा अहम आवाम वयम कहते हैं, तो वयम ये हम सब के लिए प्रयुक्त हुआ, तो वयम और उत्तम पुरुष लिख धातु लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का क्रियापद क्या है, वहाँ पर आप देख रहे हैं लेखिष्यामि लेखिष्यावः लेखिष्यामः, तो वयम लेखिष्यामः ऐसा लिख दें तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से परस्मै पद के जो रूप हैं लिट लकार में वो आपने देखा। ऐसे ही मिल धातु, मिल का मतलब होता है मिलना, इसका प्रयोग करेंगे, तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे देखिए लिख से लेख हुआ वैसे ही मिल से मेल हो जाएगा, तो
और इसमें फिर इष्यति का प्रयोग होगा, मेलिष्यति। देखिए मेल से मेल बन गया, मेल धन इष्यति इति मेलिष्यति, तो मेलिष्यति मेलिष्यतः मेलिष्यन्ति, मेलिष्यसि मेलिष्यतः मेलिष्यत, मेलिष्यामि मेलिष्यावः मेलिष्यामः, ये रूप बन गया। जैसे मैं मिलूंगा, अहम मेलिष्यामि, ये कहेंगे तो इस तरह से हम इसका सरल तरीके से अनुवाद कर पाएंगे, संस्कृत में अपनी बातों को कह पाएंगे। ऐसे ही आत्मनेपद की जो धातु है वृत्त, इसका लृट लकार में रूप क्या होगा, तब वहाँ पर क्या होगा, वहाँ भी ते एते अन्ते जो रूप बना था, जो प्रत्यय हैं ते एते अन्ते से एथे द्वे ए आवहे आमहे, इन्हीं का प्रयोग करना है। और वहाँ पर क्या हो जाएगा कि वहाँ भी इस्य इस्य का योग हो जाएगा और फिर रूप बन जाएगा वृत्त से वर्तिष्यते वर्तिष्यते वर्तिष्येते वर्तिष्यन्ते, वर्तिष्यसे वर्तिष्येथे वर्षिद्वे वर्षयद्वे, वर्षयस्ये वर्षिष्ये वर्षिष्यावहे वर्षिष्यामहे, ये रूप बनता है। ऐसे ही रुच, रुच का रोच हो जाएगा, रोचिष्यते रोचिष्येते रोचिष्यन्ते, रोचिष्यसे रोचिष्यद्वे रोचिष्यसे रोचिष्यते रोचिष्येते रोचिष्यन्ते, रोचिष्यसे रोचिष्येथे यो रोचिष्यद्वे, रोचिष्ये रोचिष्ये रोचिष्यावहे रोचिष्यामहे। तो इस तरह से रुच धातु आत्मनेपद लृट लकार का रूप बनता है। आइए अब देखते हैं कृ धातु। कृ धातु उभयपदी है, तो इसके परस्मै पद और आत्मने पद दोनों में रूप बनेंगे। तो कृ धातु परस्मै पद में लृट लकार का रूप बनता है, क्या बनता है, करिष्यति करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति, करिष्यसि करिष्यतः करिष्यत, करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः। इसी तरह से आत्मने पद में जब प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर इष्यते इष्यते इष्यन्ते, इन प्रत्ययों का प्रयोग करना होगा। तो आइए आत्मनेपद लृट लकार का रूप देखते हैं। हाँ, करिष्यते करिष्यते करिष्यन्ते, करिष्यसे करिष्येथे करिष्यद्वे, करिष्ये करिष्यावहे करिष्यामहे। तो इस तरह से कृ धातु का रूप बन गया। कथ धातु, कथ धातु का आत्म परस्मै पद का रूप, वहाँ प्रयोग करेंगे तो इष्यति का प्रयोग होगा, कथयिष्यति कथयिष्यतः कथयिष्यन्ति, कथयिष्यसि कथयिष्यतः कथयिष्यत, कथयिष्यामि कथयिष्यावः कथयिष्यामः। ये हो गया लृट लकार का रूप परस्मै पद में। आत्मने पद में प्रयोग करेंगे तो आत्मने पद में प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इष्यते इस रूप का प्रयोग होगा। तो कथ धातु का रूप बनेगा कथयिष्यते कथयिष्येते कथयिष्यन्ते। मध्यम पुरुष का रूप देखते हैं, कथयिष्यसे कथयिष्येथे कथयिष्यद्वे, और उत्तम पुरुष का रूप होगा कथयिष्ये कथयिष्यावहे कथयिष्यामहे। ये हो गया कथ धातु का। इसी तरह से भक्ष, भक्ष धातु भी क्या है, उभयपद धातु है, उभयपदी अर्थात परस्मै पद और आत्मने पद दोनों में इसके रूप बनेंगे। तो आइए हम देखते हैं लृट लकार अर्थात भविष्यत्काल परस्मै पद का रूप भक्ष धातु का। रूप बनेगा भक्षयिष्यति भक्ष भक्षयिष्यतः भक्षयिष्यन्ति, भक्षयिष्यसि भक्षयिष्यतः भक्षयिष्यत, भक्षयिष्यामि भक्षयिष्यावः भक्षयिष्यामः। तो ये इस तरह से रूप बनता है किसका, भक्ष धातु परस्मै पद लृट लकार का। और आत्मने पद लृट लकार का रूप बनेगा भक्ष धातु में ही, तो वहाँ पर इष्यते इष्येते इष्यन्ते, इन प्रत्ययों का प्रयोग करना है या इनका योग करना है। तो रूप बनेगा भक्ष धातु से भक्षयिष्यते भक्षयिष्येते भक्षयिष्यन्ते, भक्षयिष्यसे भक्षयिष्येथे भक्षयिष्यद्वे, भक्षिष्ये भक्षिष्यावहे भक्षिष्यामहे। तो इस तरह से अभी हमने देखा
जो विभिन्न धातुएं हैं इनके परस्मय पर आत्मनेपद दोनों के जो रूप जहाँ बनते हैं इन सभी धातुओं के हमने लट लकार अर्थात वर्तमान काल और भविष्यत काल लट लकार के रूप किस तरह से बनते हैं इनका हमने अभी अभ्यास किया। ये जो जितने क्रिया रूप बने हैं इन सभी क्रिया रूपों का वाक्यों में कैसे प्रयोग किया जा सकता है इसका आपको अभ्यास करना आवश्यक है, क्योंकि जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हम इसको सीख नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे, इसलिए इसका सतत अभ्यास करना आवश्यक है। तो आप सभी अभ्यास करेंगे ऐसी अपेक्षा करता हूँ। अंत में सर्वेभ्यो नमो नमः।